आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। ये है निशा लांबा, भारत की मशहूर मेकओवर आर्टिस्ट। इनके चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं। इनके अपने हुनर के दम पर फिल्मी सेलिब्रिटी या फिर सोशल मीडिया स्टार हो, वह सब इनके कायल हैं। अक्सर इनके सैलून पर देश की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहती हैं। सोशल मीडिया पर इनके ढेरों वीडियो हैं और उन वीडियो पर लाखों व्यूज हैं। हर वीडियो में निशा लांबा जिंदा दिल नजर आती हैं और साथ में उनके चेहरे पर मुस्कान सजी रहती है। लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है, इसी खूबसूरत कहानी का एक दर्दनाक चेहरा और भी है। जी हाँ, दर्दनाक पहलू, जहाँ निशा लांबा अपने गम को अपने सीने में छिपाकर हंसी सजाकर दुनिया के सामने अपने आप को साबित करती हैं। और ऐसा हम दावा नहीं कर रहे, बल्कि खुद निशा लांबा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने खुद को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बताया और अपने ही कई जानकार लोगों से अपनी जान का खतरा बताया। आप खुद सुनिए हैरान करने वाले वीडियो के कुछ अंश। आज मेरा कंधा काम नहीं कर रहा, अभी इस डॉक्टर ने बोला 7 से 10 दिन लग जाएंगे, मसल इंजरी हो रखी है। शुक्र है मसल इंजरी है, बोन इंजरी नहीं है। ये 10 दिन में ठीक हो जाएगी, बोन इंजरी होती तो महीने तक पड़ी रहती। मैं मर जाऊंगी तो ये बच्चों का करता नहीं, कतई ही नहीं करता। मेरे को इस आदमी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर है, इस आदमी से मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं डरपोक हूँ, इसलिए क्योंकि मैं कभी इसकी बीबी होती थी और ये मेरे को मार सकता है, मेरे को मार सकता है, ये मेरी जान का डर है। वुमेन्स हेल्पलाइन हो, कोई भी हो, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। तो गलती ना करो शादी करने। निशा लांबा ने मार भी खाई, निशा लांबा ने घटिया आदमी भी देखा, जुआरी आदमी भी देखा, मार पिटाई भी देखी, उसको पाला भी, निशा लांबा ने बच्चे भी पाले, ठीक है, और आगे भी पालूंगी। निशा लांबा की झूमते गाते वीडियो देखकर अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि निशा लांबा अपनी जिंदगी में किस तरह का संघर्ष कर रही हैं। शायद मेकओवर करते करते निशा लांबा अपने गमों का भी मेकओवर करना सीख गई हैं। यही वजह है कि सीने में इतना गम छिपाकर भी उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती और एक गाने की पंक्तियों को वो चरितार्थ करती हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। और इनकी इसी जिंदा दिली की वजह से इनके लाखों फैन हैं और हर कोई आज इनके जज्बे को सलाम करता है कि किस तरह इन्होंने जिंदगी में अपने संघर्ष से अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।